अनुषा अरोड़ा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसी यूनिक रेसिपी जिसको खाकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि सर्दियों के टाइम पे हर एक इंसान को मक्की की रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सर्दी में स्पेशली हम लोगों के घरों में राशन के साथ साथ मक्की और बाजरी का आटा ज़रूर आता है और सब लोगों को ब्रेकफास्ट में मक्की की रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब आप सर्दियों में एक्सरसाइजेस करते हैं, खूब सारी स्वेटिंग होती है, तो दिमाग में आता है कि जो ब्रेकफास्ट हो एक्सरसाइज के बाद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि आपकी बॉडी ना केवल फुलर फील करे, आपका टमी केवल सेटिस्फाइड फील ना करे, बल्कि पूरा दिन भर उस एक्सरसाइज के दौरान आपने जो अपनी बॉडी से एनर्जी को बर्न किया है वो सारी की सारी आपके पास वापस आ जाए। तो आज जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरे मन में था कि मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है जिसको खा के रियल में मुझे फील होगा कि मैं वेट लॉस जर्नी पे नहीं हूँ। मेरी वेट लॉस जर्नी भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैंने इतना अच्छा खाया लेकिन फिर भी मैंने अपना वेट लॉस किया। तो आज मैं ऐसा ही एक यूनिक मक्की की रोटी की रेसिपी ही आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। चलिए चलते हैं मेरे किचन में, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगी कि ये मक्की की रोटी आपको कैसे बनानी है। सो गाइज, मक्की की ये डिलीशियस रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप मक्की के आटे में आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच नमक डालकर इसको गुनगुने पानी के साथ सख्त गूंद लिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो आटा है वो सख्त गूंदा हुआ ही होना चाहिए, तभी आपकी रोटी बहुत परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। एक प्लेट में मैंने ले लिया है 100 ग्राम पनीर और उसके बीच में मैंने हरा बारीक लहसुन कट कर लिया और साथ में हरा धनिया बारीक बारीक काट लिया है। अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो आप लाल प्याज या हरा प्याज भी काट सकते हैं। और मैंने इसमें नमक और काली मिर्च डालकर ये मसाला तैयार कर लिया है जिससे कि हम अपनी मक्की की रोटी को इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। अब मैंने आटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और एक बड़ा पेड़ा 1 पर्सन के लिए मैंने ले लिया है और इसको हम बेलन की हेल्प से जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें इसको बेलना है। आप देखिए किनारे कहीं से भी नहीं टूटे हैं। अगर आपका आटा सख्त होगा तो किनारे नहीं टूटेंगे, रोटी को आप अच्छे से बेल पाएंगे, लेकिन अगर आटा सॉफ्ट हुआ तो ये बेलते टाइम टूटेगी। उसके बाद आपको खूब सारा मिक्सचर जो है, मैंने मिक्सचर को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक रोटी पे मैंने एक हिस्सा लगा दिया है और इसको अच्छे से आपने अपने हाथों से दबा लेना है। कोशिश कीजिए पूरे अच्छे से दबाएं ताकि जो मिक्सचर है पनीर का वो रोटी के ऊपर बहुत अच्छे से चिपक जाए। अब इसके लिए आपको एक पलटे की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो हाथ से बना लेती हूँ, बट आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो बिल्कुल इस पलटे का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये रोटी आप सीधी नहीं उठा पाएंगे, पलटे की हेल्प से ही आप इसको उठाएं। और ये देखिए मैंने हाथ से इसको तवे पर मैं डाल रही हूँ, तवे पे मैंने कोई घी नहीं लगाया है, मैं सीधा ये रोटी तवे पे इस तरह से डाल दूंगी, बट आप पलटे की हेल्प से ही डालें, अदरवाइज़ ये मिक्सचर आपका बिखर सकता है। इस तरह से तवे पर रोटी डालने के बाद 2 मिनट तक आप इसको एक तरफ से पकने दें और जब आप इसको पलटेंगे तो भी आपने पलटे की हेल्प ज़रूर लेनी है, अदरवाइज़ आपसे ये रोटी नहीं बनेगी। और इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पलटे की हेल्प से आप रोटी को उठाएं और इसको पलट दें। कहीं से भी मिक्सचर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बिखरा है गाइस, थोड़ा सा भी नहीं बिखरा है, ये देखिए। और अब हम इस पे घी लगाएंगे। देसी घी सर्दी में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और सुपर वेट लॉस के लिए। तो 1 चम्मच देसी घी पूरा आप इस रोटी पर अच्छे से लगाएँ। ये देखिए मैंने अच्छे से घी लगाया है, थोड़ा सा हम इस पर और घी लगाएंगे। तो 1 चम्मच मैंने एक तरफ घी जो है मेल्टेड घी 1 चम्मच लगाया है। तो इसको आप अच्छे से घी लगाने के बाद पलटे की हेल्प से रोटी को फिर से एक बार पलट दें और मैं आपको दिखाऊंगी पलटने के बाद कि आपको कितनी अच्छी दिखाई देगी। ये देखिए गाइस, कहीं से भी पनीर बिल्कुल भी नहीं इसके ऊपर से खिसका है। अब आपका जो पनीर है वो भी अच्छे से पक चुका है, तो आपका पनीर भी कच्चा नहीं रहेगा, आपके अनियंस और जो लहसुन आप इसमें डालेंगे या हरा धनिया आप डालेंगे वो भी अच्छे से पक जाएगा। और अब दूसरी साइड पे भी आप इस पे देसी घी लगा लें अच्छे से, 1 चम्मच देसी घी आप इस तरफ भी लगाएं और इस रोटी को दोनों तरफ अच्छे से पका लें। पलटे की हेल्प से रोटी को आप इस तरह से दबाएं ताकि आपकी जो मक्की की रोटी है वो अच्छे से सिक जाए, क्योंकि जितनी अच्छी ये पकेगी टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा ये अच्छा देगी। अब मैं आपको पलट के दिखाऊंगी कि दूसरी साइड से रोटी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है, कितनी अच्छे से पक चुकी है। सो ये हमारी मक्की की रोटी तैयार हो गई है गाइज, इसको प्लेट में निकाल लिया है मैंने। लाल रंग की चटनी के साथ मैं इसको, जो मुर्गा चटनी होती है ना, जिसको लाल मिर्च की चटनी बोला जाता है, उसके साथ मैं इसको सुबह सुबह खाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा टेस्ट देने वाली है। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की रेसिपीज आप लोगों के लिए और लेकर आऊँ
तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पर पहुंचते रहें। और अगर आपको ऐसी हेल्दी और रेसिपीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें, ताकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज लेकर आऊं, जिसको खाकर आप बहुत आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लीजिए, जहां पर आप मेरे क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन देखकर अपने आप को और ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं कि कैसे आप बहुत आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। एंड अगर आपको कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां से मैं क्लाइंट्स को ऐड करती हूँ। इसके अलावा मैं और कहीं से भी क्लाइंट को ऐड नहीं करती हूँ, सो प्लीज फेक आईडी से अवेयर रहें। थैंक यू सो मच।